asalaamu alaikum students how are you hope so you are fine today we will discuss about the lecture number 2 lesson number 1 the topic that we study about today is the nervous system so before starting to study the nervous system let's see the example look at the picture when someone throws a ball towards you आपकी तरफ एक बॉल फेंकता है तो आप क्या करते हो रिएक्ट करते हो उस बॉल को कैच करने की कोशिश करते हो तो ये जो है ये एक प्रोसेस आपके इंटरनल होता है कि आपने उस बॉल को पिक करना है या नहीं करना ये आपका नर्वस सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपने इस बॉल को पकड़ना है या नहीं पकड़ना ये स्टिमुलस है बॉल स्टिमुलस कोई भी चेंज है इन्वामेंट के अंदर और ये स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है तो आपका नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि आपने किस स्टिमुलस पे किस तरह रिएक्ट करना है हमारा नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और ये पूरी बॉडी में नर्व्स हैं ये नर्व्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना रही हैं अब हमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है द नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्राम आउटसाइड एंड एंड इन साइड के नर्वस सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है आउटसाइड स्टिमुलस से भी और इन साइड से भी जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखी कि बॉल क्या है कि आउटसाइड स्टिमुलस है कोई भी चेंज है हमारे इन्वामेंट के अंदर और इन साइड से भी लेता है इन साइड जो हमारे अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारे अंदर जो है डाइजेस्टिव uh, सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सट्रेटरी सिस्टम है कि ये इंटरनल ऑर्गन से भी इंफॉर्मेशन लेता है और एक्सटर्नल से भी इंफॉर्मेशन लेता है इट वर्क्स देन ये फिर काम कैसे करता है कि हाउ टू रेस्पॉन्ड कि हम इस स्टिमुलस पे किस तरह रेस्पॉन्ड करें टेस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी कि हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ये बताता है कि किस तरह रिएक्ट करें अब ये कि नर्वस सिस्टम जो है किन वजूहत पर किन रीजंस पे ये वर्क करता है अभी हमने पढ़ा पिक्चर में देखा कि नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व से मिलकर बना है और ये नर्व जो हैं रिएक्ट करती हैं इट माइट भी किन चीज़ों से रिएक्ट करती हैं हीट के आधर सर्दियां हैं या गर्मियां हैं ये हमें हमारे नर्वस सिस्टम से पता चलता है साउंड लाइट के डे है या नाइट है और उसके अलावा भी कोई स्टिमुलस हो सकता है जिसकी बिना पे ये हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है एग्जाम्पल देखते हैं लुक एट दिक्चर वेन यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट कि जब आपने एक्सीडेंटली किसी चीज़ गर्म चीज़ को टच कर लिया फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड है इसने क्या किया हॉट आयरन को टच कर दिया तो जो आपके हैंड जिस जहाँ से हैंड हैं ने टच किया है वहाँ पे जो नर्व्स हैं उन्होंने मैसेज दिया ब्रेन को और जब मैसेज पहुंच गया ब्रेन के पास तो फिर ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करवाया कि आप क्या करो कि इमिजिएटली अपना हाथ पीछे की तरफ पुल कर लो तो ये आपका नर्वस सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है कंपोजिशन के हमारा नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनता है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड लॉट ऑफ डिफरेंट नर्वस कि इसका जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन दिमाग हमारा जो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब है जो ब्रेन से निकलती है और लॉर्ड ऑफ डिफरेंट नर्व्स और पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं वो मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं नर्व क्या है कि नर्व एक फाइबर है एक धागा नमाज साहित है डेट कैरीज इम्पल्सिस जो मैसेज लेते हैं इम्पल्सिस को कैरी करते हैं बॉडी पार्ट से और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रहा है पूरी नर्व्स आपकी बॉडी की अब हम दोनों को देखते हैं पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रो नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था वो था ब्रेन और ब्रेन जो है लार्जेस्ट और मोस्ट कम्पलेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं आउटसाइड ऑर्गन्स हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है और हमारा ब्रेन क्या है उसके अंदर वन हंड्रेड बिलियन नर्व्स हैं जिनसे मिलकर ये बनता है जो कम्युनिकेट करते हैं ट्रिलियंस के ट्रिलियंस ऑफ नर्व्स जो पूरी बॉडी से नर्व्स आ रही हैं उन पर रिस्पोंड करता है हमारा ब्रेन अब पिक्चर देखें पिक्चर में ब्रेन के पार्ट्स देखें जिसके दो मेन पार्ट्स हैं सेरिब्रम और सेरिबलम। जो सेरिब्रम है वो फोर लोब्स में डिवाइड है फ्रंटल लोब ये देखिए फ्रंटल लोब पैरिटल लोब ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब जो फ्रंटल लोब है वो आपके फ्रंट पे है आपकी आइज़ के ऊपर जो है वो आपका फ्रंटल लोब है और उसकी थोड़ा सा आगे जाके पेरिटल और आपके नेक के ऊपर वाला पोर्शन सेरिब्लम और उसके ऊपर ऑक्सीपिटल लोब है और जो टेम्पोरल लोब है ये आपकी एयर्स के ऊपर वाला पोर्शन है और ये देखें ये ट्यूब निकल रही है इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के जितने भी फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं स्टिमुलस uh, पे जो रिएक्ट करते हैं वो हमारा ब्रेन है जो हमें रिस्पॉन्ड करवाता है कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें स्पाइनल कॉर्ड जो है लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कि ये ट्यूब की तरह है जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है और इसका काम क्या है कि ये पूरी बॉडी से जो नर्व्स आ रही हैं उनको लिंक करवाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मेन ब्रेन के साथ नेक्स्ट है पेरिफल नर्वस सिस्टम अब पेरीफुलल नर्वस सिस्टम की ज़रूरत कैसे महसूस हुई कि जब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह ब्रेन तक जाएगी तो इसलिए हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट हैं जो मिलकर हमारा पेरीफुलल नर्वस सिस्टम बनाती हैं और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम क्या है कॉन्टेनिंग ऑल दी नर्व्स कि सारी बॉडी के जो नर्व्स हैं जो आउटसाइड और नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है इसका रोल क्या है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के साथ लिम्स के साथ स्किन के साथ लिंक करवाता है और ये जो नर्वस सिस्टम है ये जो नर्व्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं ये एक्सटेंड करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आउटर मोस्ट के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जितनी भी पूरी बॉडी के नर्व्स हैं वहाँ तक तब आपके फुट तक की एक्सटेंड करती हैं ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से नीचे लेके ये ये सारी जो नर्व्स हैं, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रही हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम कि ये जो हमें बताता है कि हम किस स्टिमुलस पे किस तरह रिएक्ट करें हमारी पूरी बॉडी को बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है हमारी फीलिंग्स इमोशंस थर्स्ट हंग हंगर हर चीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है तो ये सब मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं होप्स यू आर अंडरस्टैंड आप डायरी देखें कि आपने इस टॉपिक को केयरफुली रीड करना है और आपने जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उन्हें लर्न करना है कि किस तरह ये डिफरेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आपके बुक पे है थैंक यू